नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉपर पर। दोस्तों, मैं आपको आज विश्व के जो महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं उनके बारे में बताने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं आपको RRB, NTPC, ग्रुप डी और UPSI, मतलब कहने का मतलब हर एक एग्ज़ाम में जिनमें जो है GS पूछा जाता है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। एक दो नंबर के क्वेश्चन तो आपको इसमें से आना बिल्कुल ही तय है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज विश्व के जो महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए आइए वीडियो के माध्यम से दोस्तों समझते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले बात करें तो जो ग्लोब होता है पृथ्वी बनाते हैं, उसके बाद जो है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के कौन कौन से घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों जैसे बात करें, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, जो आप ये बीच में जो रेखा होती है इसको आप लोग जानते होंगे, ये क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। जीरो अंश क्या है, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये जो होती है ये क्या होती है, विषुवत रेखा, और ये या भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि जो आप देख ग्लोब पर आप लोगों ने देखा होगा कि जीरो अंश इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके ऊपर जो 23.5 अंश रेखा होती है, ये जो 23.5 अंश होती है, 23 1/2 जो है नॉर्थ होती है, ठीक है। नॉर्थ ये जो अंश होता है, ये 23.5 अंश क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ये होगी आपकी कर्क रेखा। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है दोस्तों, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि मतलब कौन कितने प्रकार के जो है विश्व में आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास के मैदान है। तो जैसे स्टेपीज है, प्रेरी है, डाउन्स, ये आपको दे दिया गया तो इनमें से पूछ लिया जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे ये आपकी कर्क रेखा हो गई, फिर आपके नीचे वही 23.5 अंश, 23.5/2 ये आपकी साउथ हो जाएगी अंश। तो ये जो होगी आपकी, ये आपकी जो रेखा हो जाएगी, ये आपकी होगी मकर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, मकर रेखा होती है। तो इसका जो अब हम ये समझाना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर जो हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए ये एरिया इतना, और तो ये जो आपको मान लीजिए 66.1/2, ठीक है, ये नॉर्थ में। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी, क्योंकि पृथ्वी दो भागों में डिवाइड है ना, तो सेम चीज़ें जितना ऊपर बढ़ेंगी उतना ही वही चीज़, यहाँ शीतोष्ण होगा तो यहाँ भी शीतोष्ण होगा, यहाँ उष्ण होगा तो यहाँ नीचे भी उष्ण होगा, तो ये सेम रहता है। तो यहाँ भी 66.1/2 जो खाली जो दिशा जो होती है चेंज होती है, तो ये एस हो जाए, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैं समझाने का प्रयास ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसे ये जीरो अंश आपकी है विषुवत रेखा, तो इसका जो आपका ये वाला एरिया है, कहने का मतलब ये जो पार्ट होता है, ये जो विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ये पोर्शन। ये जो कर्क रेखा, भाई अभी हमने बताया ना 23.5/2 नॉर्थ में होगी, वहाँ ये कर्क रेखा कहलाती है, ये मकर रेखा होगी। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपका जो, और विषुवत रेखा भी यहाँ पर है ना, तो इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये टोटल क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और ये जो ऊपर 23 से ऊपर 66.1/2 तक ये जो एरिया आपका होता है, ये एरिया आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आया। तो ये एरिया आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। तो इसमें क्या है, ऐसे नीचे भी यही एरिया आपको क्या कहलाएगी, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगी, ऊपर भी यही सेम, नीचे भी यही सेम।
तो ये आप लोगों को समझ में इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपके जो विश्व में है दो ही प्रकार के जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। नंबर एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो वहाँ पे आपको अब ये याद रखना है कि 33 सही सॉरी ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का एरिया होता है, यहाँ जो जितना भी इस एरिया में जितने भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। और जो ऊपर 66 सही 1/2 नॉर्थ में या साउथ में जो पाए जाएंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। तो ये दोस्तों मैं इसने समझाने का प्रयास किया हूँ। फिर आइए मैं आपको आगे समझा रहा हूँ कि कौन से घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपके जैसे घास के मैदान, नेक्स्ट देखिए आप लोग घास के मैदान दे रखा है, जैसे कह दिया गया तो यहाँ आप ये डाल लीजिए कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। इधर उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये, और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान ठीक है दोस्तों। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। तो आपको यहां समझना क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय कौन से घास के मैदान, जैसे हम बात करें सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है अफ्रीका में पाया जाता है अफ्रीका। फिर उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तब भी अगर सवाना आपका दे ये इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है दोस्तों, तो ये समझने के लिए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। तो यहाँ ये आप समझ लीजिए क्योंकि जो आपसे ऐसे तो पूछा जा सकता है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, लानोज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, आपने मान लीजिए वो कंट्री का नाम याद कर लिया। लेकिन होता ये है कि हो सकता है पूछ ले आपसे कि ये निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने दोस्तों ये बताने का प्रयास किया हूँ। तो ये सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है लानोज घास के मैदान, तो आपसे लानोज घास के मैदान भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे वहाँ पर ये वेनेजुएला और ब्राज़ील ये दो देशों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोज घास के मैदान कहते हैं। ऐसे आप इधर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, अब उष्णकटिबंधीय इसलिए इस कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो एरिया होता है ये इतना गर्म होता है, इसलिए उष्ण का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि गर्मी। तो वहाँ जो वो जो 0° से ऊपर और ये जो एरिया मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय, ये यहाँ क्या होता है सूर्य की किरणी जो है 365 दिन यानी वर्ष भर जो होती सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस एरिया में हमेशा जो है टेम्परेचर क्या होता है हाई होता है, तो इसलिए वहाँ गर्मी बनी रहती है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय उष्ण मतलब गर्मी का क्षेत्र हो जाएगा ये। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जो हिस्सा बढ़ेगा वो तो फिर वहाँ पर शीत ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर शीतोष्ण हो जाता है, तो इसलिए बताया गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट आपका इधर शीतोष्णकटिबंधीय में आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया प्रेरी घास के मैदान का पूछ लिया जाता है कहाँ पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट की बात करें अगर तो यहाँ सवाना का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाना घास के मैदान पूछा ही जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और लानोज भी आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पाया जाता है घास के मैदान उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्णकटिबंधीय है, तो ये भी ध्यान रखना है कि वेनेजुएला और ब्राज़ील में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका इधर शीतोष्णकटिबंधीय में अगर बात करें तो प्रेरी जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जामों में लमसम में पूछा जाता है कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि ये अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान ये भी बहुत ज़्यादा दोस्तों पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट घास के मैदान जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे पंपास है, प्रेरी है, लानोज है, सवाना है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में जो है ये पंपास के घास मैदान दोस्तों आपको मिलेंगे, ये एग्ज़ाम में आप पूछे जाते हैं। फिर आपके इधर जैसे कंपास घास का मैदान नंबर ऊपर देखिएगा तीसरे नंबर पे है कंपास घास का मैदान, ये भी दोस्तों उष्णकटिबंधीय में ही है भाई, इस साइड में है तो उष्णकटिबंधीय, इस साइड में है तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैदान हो जाएंगे। तो आपको यहाँ कंपास घास का मैदान जो दे रखा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील में,
अर्जेंटीना, मध्य प्रागवे जो क्षेत्र होता है, प्रागवे का जो देश का क्षेत्र है, और उरुग्वे में। तो कंपास घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में, अर्जेंटीना, प्रागवे और उरुग्वे में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इधर शीतोष्णकटिबंधीय में स्टेपिस, स्टेपिस घास के मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो पूछा लमसम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये क्योंकि ये इसका जो क्षेत्र होता है दोस्तों ये ज़्यादा है, क्योंकि ये यूरेशिया में, जैसे यूरोप का जो क्षेत्र है और एशिया का भी जो क्षेत्र है, ये लमसम यहाँ जो जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उनको स्टेपिस के नाम के नाम से जाना जाता है। नंबर चार इधर देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो पार्क लैंड जो एक घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में होता है दोस्तों। ये ज़्यादा अभी पूछा नहीं जाता है फिलहाल, लेकिन बात करें अगर जो तो और जितने भी हैं लमसम में पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, लेकिन आपको याद रखना है कि पार्क लैंड जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों इधर उष्णकटिबंधीय में सेल्वास घास का मैदान, सेल्वास घास का मैदान जो अमेजन बेसिन है, जो अमेजन नदी के आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पर भी जो पाए जाने वाली जो भी ये घास के मैदान होते हैं पाए जाने वाले, उनको हम क्या कहते हैं? सेल्वास होते हैं। जैसे मिस्र उस्र में क्या उधर उस एरिया में जो पाए जाते हैं घास के मैदान, उनको हम सेल्वास कहते हैं। फिर शीतोष्णकटिबंधीय में इधर हमने स्टेपिस बता ही दिया कि ये यूरेशिया और यूरोप एवं मध्य एशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं जो घास के मैदान, उनको हम स्टेपिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों है वेल्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या बताना है वहाँ पर कि वेल्ट्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को वेल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि ये एग्ज़ाम में आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में एक दो नंबर से क्वेश्चन आपको बनना तय है दोस्तों। बेसिकली जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, तो ये इनमें तो आता ही आता है दोस्तों, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि डाउन्स ये पूछे जाते हैं। तो आप जब इस वीडियो को पूरा दोस्तों देख लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वाली समस्या ये भी दूर हो जाएगी, और कौन से किस देश में पाए जाते हैं ये चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो ये डाउन्स जो घास के मैदान है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जो अब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तो जो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको ईजिली प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।